दोस्तों बीसीसीआई से इंडियन क्रिकेट टीम से मेरी दरख्वास्त है कि भाई साहब आपको क्या जरूरत है टी20 वर्ल्ड कप खेलने की, जब आप फिक्स करके टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आप अपनी मर्जी चला रहे हो, दुनिया की और 19 टीमें टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगी, एक इंडिया की 20 टीमें 19 टीमें और भी हैं, सिर्फ इंडिया की टीम नहीं है, या तो इसको जो है ना टी20 वर्ल्ड कप इंडिया को दे दिया जाए, खाली मैच करवा दिए जाए, या तो फिर इंडिया बीसीसीआई को चाहिए कि भाई साहब आप टी20 वर्ल्ड कप ना खेलो, आप जाके आईपीएल खेल लो, आपकी आईपीएल की ट्रॉफी वैसे भी टी20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा महंगी है, तो आपको क्या फ़ायदा टी20 वर्ल्ड कप खेलने का। हाँ, पिछले 10-12 साल से आपकी टीम धक्के खा रही है, कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही, क्यों? क्योंकि आप लोग चीटर हो। हाँ, आप लोग चीटिंग करते हो, हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई साजिश करते हो, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि आपको आपके घर में शिकस्त पड़ जाती है, आपको आपके घर में जो है कि रोना पड़ जाता है। अब लास्ट के वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ क्या हुआ आप सभी को पता है, ठीक है, फ्लैट विकेट फ्लैट पिच जो ना बनाकर टीमों का बेड़ा गर्क करवा दिया, फिर फाइनल में जो है कि टफ विकेट बनाई कि हमारे खिलाड़ी जैसे तैसे करके परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। अब 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया बीसीसीआई कौन सी चाल चल रहा है, आईसीसी से दरख्वास्त कर दी है कि हमारे प्लेयर जो है ना भाई साहब दूर दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी हमारे एक ही जो ना पिच पर मैच करवाए जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टेडियम में हमारे मैचेस करवाए जाए, ताकि कम ट्रेवलिंग हो और हमारे खिलाड़ियों को थकावट ना हो। क्यों भाई साहब, आपके खिलाड़ी क्या आसमान से उतर के आए हैं, या फिर दूसरे खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है, या दूसरों की टीमें नहीं हैं, बताओ, दूसरे टीमें भी क्रिकेट खेलने आई हैं, सिर्फ आपकी ये आप अब वार्म अप मैच इंडिया का हुआ है बांग्लादेश से, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, इंडिया के सारे मैच न्यूयॉर्क में हो रहे हैं। इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाएगी ना, किसी भी सेमीफाइनल में इंडिया जाए, पहले में या दूसरे में, इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में सेमीफाइनल खेलेगी। अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो भी इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में फाइनल खेलेगी। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने एक चाल चली है बीसीसीआई ने, क्योंकि दो नंबर लोग हैं, चीटर लोग हैं, चीटिंग करना इनकी आदत है, चीटिंग करना इनके दिमाग में बैठ गया है, तो चीटर लोग चीटिंग ही करेंगे, इसीलिए इन्होंने ये कोशिश करी है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी एक विकेट पे जैसे खेलेंगे ना तो खेल खेल के आदि हो जाएंगे। सही है, वार्म अप मैच उसी मैदान में, फिर जो है कि ग्रुप स्टेज के मैच उसी मैदान में, फिर सुपर एट के मैच उसी मैदान में इंडिया के, फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी उसी जगह पे इंडिया के होंगे, तो ट्रेवलिंग भी कम होगी और इंडिया को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा कि भाई साहब इस विकेट पर इंडिया ने ऑलरेडी 2 मैच खेले हैं या 3 मैच खेले हैं, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जितनी भी दुनिया की और बड़ी टीमें हैं ना, वो बड़ी हैं अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर फिक्सरों की टीम है, यहाँ पर चीटरों की टीम है, यहाँ पर नाइंसाफी करने वालों की टीम है इंडिया, जिसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जिसको अपनी मनमानी करने का भी जो है ना इजाज़त दी जाएगी, आप मनमानी कर सकते हो, आप एम्पायर भी खरीद सकते हो, आप हर कुछ खरीद बेच सकते हो, और आप अपनी मर्जी से स्टेडियम चूज कर सकते हो कि इंडिया को कहाँ खेलना है। अब इंडिया वेस्ट इंडीज़ में खेल लेनी चाहिए, अगर फाइनल में जाती है इंडिया तो भी इंडिया बोलेगी हम अपना स्टेडियम, इससे अच्छा है कि भाई साहब आप एक काम करवा दो, अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में चली जाती है तो उसका मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवा दो, हाँ, या फिर इंडिया फाइनल में चली जाए तो भी इंडिया का मैच जो है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवा दो, क्योंकि अगर इंडिया कोशिश करता है या फिक्सिंग करने के इरादे में है या चीटिंग करने के इरादे में, तो भाई साहब चीटिंग फिर खुल्लम खुल्ला कर दो, आपके अपने सारे मैच जो है ना इंडिया में करवा दो, वहाँ पे भी आपको मार पड़ जाएगी, जैसे अभी ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया ने घर में घुस के तुम लोगों को पेल दिया, कितना अच्छा क्रिकेट इंडिया खेल रही थी शुरू के 10 मैचेस इंडिया जीत कर 11वें मैच में इंडिया वन साइडेड हरा देती है, किसी ने सोचा नहीं था कि 400 रन बनाने वाली टीम 250 रन भी नहीं बना पाएगी, फाइनल में इंडिया ने 250 रन भी नहीं बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हरा दिया। आप 2023 का सेमीफाइनल आप अपने घर में हारे, 2016 का सेमीफाइनल टी20 वर्ल्ड कप का आप अपने घर में हारे हो, बड़े बड़े मैचेस आप अपने घर में हारे हो, क्योंकि आप बड़ी कोशिशें करते हो चीटिंग करने की, चीटिंग करके जीतने से क्या ही फायदा है भाई साहब, खेलो तो शेरों की तरह खेलो ना, अगर जीतना है तो शेरों की तरह जीतो, ये क्या है चीटिंग करके, ये फिक्सिंग करके, ये चाल चल के, ये अजीबोगरीब हरकतें करके आप टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करते हो, हाथ में तो कुछ भी नहीं आता, हाथ तो खाली चले जाते हैं, पिछले 10 सालों में देख लो हर टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत लिए, पाकिस्तान ने 1 जीत लिया, श्रीलंका ने 1 जीत लिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 3 कौन से जीते हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया ने आपसे जीते हैं,
पाकिस्तान ने किससे जीता है? आपसे जीता है। श्रीलंका ने किससे जीता है? आपसे जीता है। हर बार आपको न्यूजीलैंड ने आखिरी का टूर्नामेंट किससे जीता है? आपसे जीता है। 5-6 बड़े फाइनल आप लास्ट 10 साल में हार गए हो। क्यों हार गए हो? एक भी नहीं जीता, क्योंकि तुम नीयत के पलीत इंसान हो। तुम जो ना उल्टी सीधी कोशिशें साजिशें करते रहते हो दूसरों के खिलाफ के वो 19 टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आई है, सिर्फ इंडिया के 30 मार्का खेलने आए। तो भाई साहब होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, होगा वही जो खुदा को मंजूर होगा। बाकी आप लोग जितनी भी कोशिशें कर लो, जितनी भी चीटिंग कर लो, अपने मैचेस कहाँ भी करवा दो, कुछ भी नहीं होगा। यही नंगा होगे तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान कोई भी टीम वापस भेज देगी। कुछ भी कर लो भाई साहब, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतनी ज़बरदस्त टीम है जिसकी दुनिया तारीफ करती है। आप लोगों को डरने का कोई मसला ही नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो। परेशानी तो हमें होनी चाहिए। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीन ऐसी टीम है जिनको डरने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इतनी ज़बरदस्त टीम, इतनी ख़तरनाक इंडिया की टीम, और उसका बोर्ड इतना गिरा हुआ। शेम ऑन यू।